गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हाउ आर यू? वेरी गुड. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. आज हम लोग पढ़ेंगे सिंस और फॉर का यूज. सिंस और फॉर का यूज कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे. ये है सिंस और ये क्या है बाबू? फॉर. और इन दोनों का हिंदी होगा से. क्या होगा? से. सिंस मतलब भी से और फॉर मतलब भी से. लेकिन सर फर्क क्या है दोनों में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर? ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में फर्क क्या है? तो पहले तो इसका यूजेस बहुत सारा है, पहले बता देता हूँ. आज हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंस का यूज. किसका यूज? सिंस का. इंशाल्लाह टॉपिक का आगाज मैं किया हूँ, अगर टाइम होगा तो फॉर का यूज भी कर देंगे. पहले ध्यान देंगे सिंस का यूज. देखिए सिंस का यूज जब भी हम करते हैं, सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय, वैसा समय, वैसा टाइम जिसको लेने से पक्का लगे कि वो काम उसी वक्त हुआ है, उसे पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं. तो एक निश्चित समय के साथ हम सिंस का यूज करेंगे से के लिए. क्लियर है? अब ऐसा कौन कौन से टाइम है जो निश्चित बताता हो? तो एक दिन का इवेंट ले लो, एक दिन का घटना ले लो. तो अगर मैं कहूँ कि सुबह से, तो ये मॉर्निंग क्या है? पॉइंट है. क्या है मॉर्निंग? पॉइंट है. इसके साथ क्या लगाओगे? सिंस. सिंस मॉर्निंग. क्या कहोगे? ध्यान से सुनना. अगर मैं कहूँ दोपहर से, नून मतलब होता है दोपहर या आफ्टरनून कहते हो ना जी, तो नून आफ्टरनून के साथ भी क्या लगाओगे? समझा रहे ना? अगर मैं कहूँ शाम से क्या लगाओगे? सिंस. क्या लगाओगे? सिंस का यूज करोगे. समझ में आ रहा है ना? तो सिंस का यूज पहला हमें क्या समझ में आया? मॉर्निंग के साथ, दोपहर के साथ या फिर इवनिंग के साथ. क्लियर हो रहा है ना? पहला यूज समझ में आ गया. दूसरा यूज ओ क्लॉक. ध्यान से सुनो. ओ क्लॉक के मीन्स, ओ क्लॉक मीन्स क्या होता है? बजे. क्या होता है? बजे. अब जहां भी ओ क्लॉक की बात होगी और कह देगा से, बजे से, वहां पे क्या लगाना? सिंस. मेरे साथ प्रैक्टिस करो. मैं कहूँ एक बजे से, सिंस वन ओ क्लॉक. दो बजे से, पाँच बजे से, दस बजे से. क्लियर? यानी बजे की भी बात होगी तो वहाँ पे तुम क्या लगाओगे बेटा? क्लियर हो गया ना? दूसरा यूज सभी को समझ में आ रहा है? तीसरा यूज होता है एक वीक नेम. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सात. सातों दिनों का नाम होता है ना? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब दिनों का नाम है ना? अगर इनका नाम आया और उसके साथ से कहा तभी तुम क्या लगाओगे? यानी कि जो भी मंथ्स के नेम होते हैं, सॉरी सप्ताह के नेम्स होते हैं, उनके साथ भी तुम क्या लगाओगे? सिंस. जैसे मैं कहूँ संडे से, बोलो सब कोई संडे से, क्या कहोगे? सिंस संडे. क्या कहोगे? सिंस संडे. मैं कहूँ मंडे से, मैं कहूँ ट्यूसडे से, मैं कहूँ वेडनेसडे से. समझ में आ रहा ना? तो अगर इस तरह का सेंस भी आएगा तो भी तुम क्या कहोगे? सेंस का यूज. तीन यूज समझे ना? पहला यूज सुबह के साथ, दोपहर के साथ और शाम के साथ. दूसरा यूज बजे के साथ से कहेगा तो भी सेंस. वीक के साथ, सप्ताह के नामों के साथ से कहेगा तो भी सेंस. चौथा यूज पढ़ेंगे हम लोग मॉन्स नेम. मॉन्स नेम महीनों के नाम के साथ. समझ में आ रहा ना? जो भी मंथ होगा उसके महीने में जो आएंगे उनके साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे. जैसे मैं कहूँ जनवरी से, बोलो सिंस जनवरी. नोट करते चलना. फरवरी से, सिंस फरवरी. मार्च से, सिंस मार्च. यानी मंथ्स का नाम आएगा तो भी क्या लगाएंगे? क्लियर हो गया ना? तीसरा यूज हम, चौथा पांचवा यूज पढ़ेंगे हम लोग ईयर के नेम के साथ. ईयर्स नेम यानी कि सालों के नामों के साथ जो सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मैं कहूँ 2002 से, 2004 से, 2005 से, 2010 से, 2015 से, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? क्लियर हो गया? यानी महीनों के नाम के साथ भी सिंस, ईयर के नाम के साथ भी. चाइल्डहुड बचपन से, वहाँ भी क्या लगाओगे? समझ में आ रहा ना? इन ये सारा यूज जो है किसके साथ होगा? सिंस का. अभी भी कुछ यूज है जो नेक्स्ट वीडियोस में इसको अपलोड करूंगा. इतना यूज आप लोग को जानकारी हो गई. एक बार रिवीजन करा दूं. मॉर्निंग के साथ, नून के साथ, इवनिंग के साथ, ओ क्लॉक के साथ, सप्ताह के दिनों के नामों के साथ या फिर मंथ के नामों के साथ, चाइल्डहुड के साथ. आने वाले नेक्स्ट यूज में भी सिंस का यूज बाकी है, उसको कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.